मैंने 3.7 वोल्ट की बैटरी ले ली है। हमें यहाँ पे 220 ओम के दो रेजिस्टेंस चाहिए, दो पीस हमें यहाँ पे पुश स्विच चाहिए होंगे। फ्रेंड्स इसकी 4 लैग हैं, आप चाहें तो 2 लैग वाला भी ले सकते हैं। दो पीस हमें यहाँ पे चाहिए BC547, एक चाहिए हमें यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल TP4056। इसकी पिन आउट कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर की ई मीटर लैग को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा। रेजिस्टेंस की एक लैग को मैं कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। दूसरी लैग को मैं बेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। रेजिस्टेंस की एक लैग को मैं बेस के साथ कनेक्ट कर दूंगा। रेजिस्टेंस की दूसरी लैग को मैं यहाँ पे कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। पुश स्विच की किसी भी एक लैग को मैं यहाँ कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं किसी भी एक लैग को कलेक्टर के साथ यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे एक जम्पर वायर ले लिया है, इसकी फर्स्ट लैग पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। पुश स्विच की सेकंड लैग के साथ मैं इस जम्पर को कनेक्ट कर दूंगा। दोनों ई मीटर की लैग के साथ एक जम्पर को कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ एक जम्पर वायर कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ एक वायर यहाँ कनेक्ट करेंगे। यह इसका सर्किट डायग्राम है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुश स्विच की सेकंड लेग पे एक जम्पर कनेक्ट करेंगे। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे एक चार्जिंग मॉड्यूल, यह हमारी बैटरी को चार्ज करने में काफ़ी मदद करेगा। बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव हमें यहाँ कनेक्ट करने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ई मीटर के वायर को कनेक्ट करेंगे मॉड्यूल के आउटपुट माइनस में। पुश स्विच की सेकंड लैग पे जो हमने जम्पर कनेक्ट किया है इसे हम आउटपुट प्लस पे कनेक्ट करेंगे। अब बैटरी के यहाँ माइनस को कनेक्ट करेंगे। बैटरी के पॉजिटिव वायर को भी हम यहाँ बी प्लस पे कनेक्ट कर देंगे। इस स्विच को फ्रेंड्स मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये स्विच फ्रेंड्स ख़राब है यहाँ पे, इसकी जगह मैं दूसरा स्विच यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं इसका डायग्राम आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है एक N20 गियर मोटर, आप कोई भी मोटर यहाँ पे ले सकते हैं। जो कलेक्टर से हमने जम्पर वायर कनेक्ट किया है उसे हम मोटर की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वायर को हम यहाँ मोटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये सर्किट बनाने के बाद आप कोई भी मोटर इससे रन करा सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने N20 गियर मोटर का इस्तेमाल किया हुआ है, चलिए मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ अपने बनाए हुए सर्किट से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा यार? अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना ना भूलें।